अखिलेश यादव जिनकी शादी एक महीना पहले हुई थी, उनकी विधवा उनके याद में इंतजार कर रही है कि कब वो घर वापस आएंगे या उनकी क्या स्थिति है, जानकारी लेने के लिए दिन रात रो रही है। तो शादी कितने दिन पहले हुई थी आपकी? एक महीना पहले। अखिलेश के साथ और कौन गए थे? उसका दोस्त था। उसका दोस्त था तो वो भी वो उस हादसे का शिकार हो गए, वो मर गए जी। उनकी बॉडी घर तक आई? हाँ। अच्छा, शादी कितने दिन पहले? हम अपनी टीम को लेकर के दरभंगा के साथ और कौन गए थे? आपको बता दें कि हम अपनी पूरी टीम के साथ वो भी वो उस हादसे का शिकार हो गए, वो मर गए। खंड के मनियारी गांव पहुंच रहे हैं। वहां एक महिला जिनकी एक महीना पहले शादी हुई थी, जिनकी पति की मौत उस हादसे का शिकार हो गए, वो मर गए। रेल हादसे में हो गई है और बालासोर रेल हादसे की घटना लगभग 15 दिन बीतने को है और अब तक उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, रेल विभाग, तमाम उन लोगों को चैनल के माध्यम से जानकारी लेना चाहेंगे। शादी कितने दिन पहले? अखिलेश यादव जिनकी शादी एक महीना पहले हुई थी, उनकी विधवा उनके याद में इंतजार कर रही है कि कब वो हादसे का शिकार हो गए, वो मर गए या उनकी क्या स्थिति है, जानकारी लेने के लिए दिन रात रो रही है। तो वही बूढ़ी माँ बाप जो है सो उनके लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे चिराग जो है सो घर तक पहुँचेंगे। आप लोग साथ दीजिएगा तो निश्चित रूप से उस परिवार को हम न्याय दिलाएंगे। अखिलेश यादव का डेड बॉडी आखिर कहाँ गया? आकाश में चला गया या पाताल में चला गया? जब अखिलेश यादव अपने घर से कमाने के लिए चेन्नई जैसे शहर में जा रहे थे तो आखिर उनका डेड बॉडी है कहाँ? और आपको बता दें कि ऐसे डेड बॉडी या ऐसे जो मिसिंग लोग हैं कई हैं। मधुबनी में 4 डेड बॉडी अभी भी नहीं मिला है। तो वही दरभंगा की हालात आप देख लीजिए, जहाँ एक महीना पहले शादी हुई वो औरत अपने पति का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनका पति कहाँ है। जब वो रेल हादसा का शिकार हुए हैं तो उनका डेड बॉडी या उनकी जो स्थिति हालिया स्थिति है उसका तो ट्रेस होना चाहिए, आखिर है कहाँ। सरकार कहती है कि लगभग 300 लोगों की मौत हुई है तो आखिर उन लिस्टों में इनका नाम क्यों नहीं है? भारत के कोने कोने में कई ऐसे लोग हैं जिनका ट्रेस अब तक नहीं चला है। परिवार के लोग बिलख रहे हैं लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन साथ में यहाँ के स्थानीय नेता जो है कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या वो यहाँ के नागरिक नहीं है? रेल हादसे का यदि शिकार अखिलेश यादव हुआ है तो आखिर उनका डेड बॉडी कहाँ है या उनका इलाज यदि कहीं चल रहा है तो इसके संदर्भ में जानकारी परिवार को क्यों नहीं मिल रहा है? आपको सरकार चुनते हैं और लोग आपको वोट दे करके भेजते हैं, गद्दी पर बैठ करके मलाई मारिएगा तो आपसे सवाल नहीं किया जाएगा कि आखिर उस परिवार का सदस्य कहाँ है। मधुबनी के बासोपट्टी के 4 बॉडी का अब तक कोई ट्रेस नहीं मिला है तो आखिर है कहाँ? 15 दिन से बालासोर में जगह जगह ढूंढ करके वो लोग आज वापस आ रहे हैं। उस खबर को भी हम दिखाएंगे कि 4 परिवार के लोग किस प्रकार से अपने को खोने का जो दर्द होता है वो किस प्रकार से होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ में अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक महीना पहले जिसकी शादी हुई हो उस परिवार में क्या बीत रही है, उस महिला के ऊपर क्या बीत रही है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि उनको उनके न्याय के लिए आप लोग खड़े रहिए और साथ में इस आंदोलन को आप लोग